मोटर्स ने ऑटो एक्सपो 2023 में नई हैरियर और सफारी डार्क एडिशंस को पेश किया है। ये मॉडल्स मौजूदा डार्क एडिशन से ज्यादा सपोर्टियर हैं। इन एसयूवी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS है और इन्हें और खास बनाता है। इसमें कई सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं, जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेक, डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, लेन चेंज अलर्ट, कॉलिशन मिटिगेशन सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, डोर ओपन अलर्ट, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाई बीम असिस्ट और फ्रंट कॉलिशन वार्निंग। 2023 टाटा सफारी और हैरियर डार्क एडिशन 360 डिग्री कैमरा, 7 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले तथा 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस है। इस एसयूवी में इन्फो यूनिट वाइज कमांड फंक्शन है और ये 6 भाषाओं को सपोर्ट करता है। इसमें स्पोर्टी रेड लेदर और मून लाइटिंग फंक्शन भी दिया गया है। 2023 टाटा सफारी और हैरियर डार्क एडिशन अब मेमोरी फंक्शन के साथ आता है। इसके को पैसेंजर सीट को भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं एक्सटीरियर की बात करें तो इन एसयूवी के नए डार्क एडिशन में फ्रंट में स्पोर्टी ब्लैक लोगो दिया गया है। इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स और रेड कैलिपर्स भी जोड़े गए हैं। टाटा हैरियर और सफारी के 2023 डार्क एडिशन में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 168 BHP की पीक पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही SUV 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। फिलहाल टाटा हैरियर SUV मॉडल 14,80,000 से शुरू होकर के 22,35,000 रुपए तक की रेंज में आ रही है। वहीं टाटा सफारी कीमत 15,45,000 रुपए से शुरू होकर के 23,76,000 रुपए तक है। ये सभी कीमतें एक्स शोरूम प्राइस हैं। आपको बता दें, ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा मोटर्स ने हैरियर SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन भी शोकेस किया था। कंपनी ने कंफर्म किया है कि टाटा हैरियर EV का प्रोडक्शन रेडी वर्जन बिक्री के लिए साल 2025 में उपलब्ध होगा। टियागो EV ब्लिट्स भी इनमें से एक है। टियागो EV ब्लिट्स में एंगुलर स्लेट्स डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा इसमें हेडलैम्प्स के नीचे एक ऑल ब्लैक ट्रिम और क्लोज्ड ऑफ ग्रिल भी देखने को मिलता है। साथ ही इसमें 15 इंच के व्हील्स, ब्लैक स्पॉइलर और EV बैज के बगल में एक ब्लू बोल्ट मोटिफ है। टाटा ने सभी टियागो EV ब्लिट्स के पावर ट्रेन के बारे में खुलासा अभी तक नहीं किया है। इसके बेस मॉडल में 2 बैटरी पैक 19.2 किलोवाट्स और 24 किलोवाट्स मिलते हैं। 19.2 किलोवाट्स 61 PS की पावर और 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और वहीं 24 किलोवाट 75 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। टियागो EV ब्लिट्स के लॉन्चिंग के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।